आप एक अंधेरे कमरे में हैं, जिसमें हवा स्थिर है और खिड़की से लाइट आ रही है। अब इन डस्ट पार्टिकल्स के मूवमेंट के बारे में आप क्या नोटिस करते हैं? ये ब्लैक सर्कल्स जो यहाँ लाइट बीम से पास हो रहे हैं। वीडियो को यहीं रोकिए और इसके बारे में सोचिए। आंसर है, डस्ट पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। ये हमेशा नीचे की ओर मूव नहीं करते, बल्कि सभी डायरेक्शंस में मूव करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और वे एक फ्लूइड द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। इस केस में ये फ्लूइड गैस है। आप गैस पार्टिकल्स को डायरेक्टली नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आप इनसे बड़े डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। डस्ट पार्टिकल्स के रैंडमली मूव करने का कारण है गैस। हम जानते हैं कि गैस हर जगह मौजूद होती है, क्योंकि हर बार जब हम अपना हाथ हवा में मूव करते हैं तो हमें अपने हाथ के अगेंस्ट ये गैस महसूस होती है। इसे खुद ट्राई कीजिए और जब रेडी हो तो कंटिन्यू कीजिए। एयर पार्टिकल्स रैंडम डायरेक्शन में बहुत तेजी से मूव करते हैं। इसका मतलब इनमें कई कोलिजन्स होंगे, यानी ये कई बार डस्ट पार्टिकल से टकराएंगे। एयर पार्टिकल्स यानी इन ब्लू सर्कल से होने वाला हर कोलिजन ये बताता है कि कैसे डस्ट पार्टिकल्स यानी ये ब्लैक सर्कल हर बार एक नई रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। ये एक स्नूकर गेम की तरह है, जहां करोड़ों छोटे मार्बल्स टेबल टेनिस बॉल्स जितने बड़े पार्टिकल से टकराते हैं। ये इफेक्ट सबसे ज्यादा साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था। वो पानी में सस्पेंडेड पोलन ग्रेन्स को माइक्रोस्कोप से देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि ये इस तरह क्यों मूव कर रहे हैं। उन्हें लगा कि पोलन्स अलाइव यानी जीवित हैं, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने उनकी डिस्कवरी के महत्व को जाना। अब यहाँ पर आपके लिए एक चैलेंज है। अभी तक हमने डस्ट पार्टिकल्स के बारे में जो जाना, उसे ध्यान में रखते हुए क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स रैंडमली क्यों मूव करते हैं? वीडियो को रोकिए और जब रेडी हो तो कंटिन्यू कीजिए। तो आपने देखा, यहाँ फ्लूइड कोई गैस नहीं बल्कि ये एक लिक्विड है। पोलन ग्रेन्स पानी के कई मॉलिक्यूल से टकराते हैं। पानी का हर मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हम रैंडमली मूव करने वाले पोलन ग्रेन्स पर उनका कंबाइंड इफेक्ट देख सकते हैं। इसी इफेक्ट को, जैसे कि आप जान गए होंगे, ब्राउनियन मोशन कहते हैं।